हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी में पहले वेटिंग लिस्ट के साथ खेला, फिर कम्युनिटी बाई कैंडिडेट का सीसीए का खेला, फिर कोरिजेंडम पे मेडिकल का खेला और अब नया मेडिकल में भी खेला हो रहा है। सिवन जिसका मेडिकल है उनकी खतरा है, अब खेला आपके साथ भी हो गया है। कुछ आरआरसी ऑफिशियल कर दिया था जिसमें मुंबई, कोलकाता और एक दो बिलासपुर वगैरह कहीं का नोटिस आया था, जिसमें आपको पोस्ट तो उतना ही रखा गया जितनी वैकेंसी है, कम्युनिटी वाइज भी उतना ही पोस्ट रखा गया, लेकिन सबको ट्रैक मेंटेनर लगभग मिलेगा ये तय कर दिया है रेलवे ने, क्योंकि पोस्ट ही ट्रैक मेंटेनर ही है। एक और खेला आया है, वो नया खेला है, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, रिवाइज वैकेंसी विदाउट नोटिफिकेशन। और ये सभी आरआरसी में होगा जैसा कि पहले भी हो गया है, और ये बहुत बड़ी चाल है, या कह सकते हैं गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से, बिना वैकेंसी को नोटिफाई किए हुए, बिना लोगों ने पोस्ट प्रायोरिटी किया भरा था, अब उनको क्या मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दिया जा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो चलिए डिटेल देखेंगे। सबसे पहले डिटेल देखने के लिए हमने कोरिजेंडम पे जाएंगे, तो कोरिजेंडम जो आया था चौथे महीने में 2022 में, ये देख लीजिएगा। ये कोरिजेंडम में क्या है, मेडिकल का पैरामीटर चेंज हो गया था, जिसमें C1 वाले और यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाले और कुछ A2 वाले भी कुछ मेडिकल लाए गए हैं इसमें नया पैरामीटर के हिसाब से। NX1 में पहले A3 मेडिकल कोई नहीं था शुरुआत में, बाद में इन्होंने A3 मेडिकल ट्रैक मशीन मिलाया, फिर एक आपका A2 मेडिकल ट्रैफिक वाला तो पोस्ट अपॉइंटमेंट का तो पहले ही था, और कुछ मेडिकल B1 से था उसको A2 में और लाया है, मतलब A2 में आ गया एक और एक एक आपका B2 में आ गया है, A3 में, बाकी C2 तो है ही नहीं। C1 वाले पोस्ट थे, वो C1 वाले पोस्ट गिनती के अब रह गए हैं, यहाँ पे तो कुछ लगता था कि है, तो वैकेंसी टेबल में पहले चलेंगे, वैकेंसी टेबल में आइएगा तो वैकेंसी टेबल में भी पोस्ट पैरामीटर होता है, लेकिन अभी हमें जो बात करना है यहाँ वैकेंसी टेबल में दिखा देंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं आरआरसी जयपुर की, आरआरसी जयपुर का जो पोस्ट था वो टोटल अच्छा पोस्ट था 4249, उसमें से C1 मेडिकल वाले बहुत सारे पोस्ट थे वो हट के कम हो गए, और ट्रैक मेंटेनर की टोटल पोस्ट 1846 थी इंक्लूडिंग CCA वगैरह एक सर्विस मैन लगा के, अबे 1846 3600 कैसे हो गया, 3500 कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। और अगर ये 3500 हुआ, टोटल वैकेंसी 5200 ही है, तो बाकी पोस्ट जो थे, ये वाला तो आपको पॉइंट ट्रैक मशीन 308 ही रह गया, ये 27 ही रह गया, तो बाकी जो कम मेडिकल स्टैंडर्ड वाले थे, लोअर साइड वाले C1 वाले, एकदम कम या खत्म होने के कगार पे है, यानी लगभग लगभग ना के बराबर है, और एक नोटिस नहीं आया। कैसे पता चला, तो इसके लिए देखिए, एक रेलवे ने बोला है वेलकम स्वागतम प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो डिटेल देना है हर डिवीजन को, डिवीजन अजमेर को, बीकानेर को, जयपुर को और जोधपुर के, कहाँ प्रोग्राम करेंगे और कौन इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर कह सकते हैं, सबसे बातचीत करने वाले रहेंगे। तो अच्छा है, लोगों को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन वेलकम किसे कर रहे हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, वेलकम कर रहे हैं दो लोगों को, 3738 कैंडिडेट हैं, ये सिविल में अब जाएंगे, और टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टोटल सी वैकेंसी है तो आप देख लीजिएगा 5049, इसमें से सिविल का कौन कौन से है, एक तो असिस्टेंट इन ब्रिज इंजीनियरिंग वाला होता है, उसके बाद आपका कहाँ गया इंजीनियरिंग वाला ट्रैक मशीन, और उसके बाद आपका असिस्टेंट इन वर्कशॉप और ट्रैक मेंटेनेंस Grade 4, ये इंजीनियरिंग सिविल के चार पोस्टों हैं, चारों पोस्ट मिला के कितनी पहले वैकेंसी थी उसको देख लीजिएगा, यहाँ से 1800, एक मिनट में बड़ा बड़ा कर दूँ, आप समझ में आया आपको, यहाँ से 1846, एक मिनट, 1846, यहाँ पे इंजीनियरिंग की 154, यहाँ से 308, और ऊपर में कुछ कुछ 27 और कुछ पोस्टें लगा के 27, ये वाला ब्रिज वाला और ये पोस्ट, यही टोटल इंजीनियरिंग के पोस्ट थे, यानी कुल मिला के 2000 से नीचे नीचे इंजीनियरिंग के पोस्ट थे, यानी 2000 पोस्टों में से अब क्या कर दिया इन्होंने, एक मिनट, ये हट गया वो जयपुर वाला, मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, जयपुर वाले में 3000 से में से क्या किया, कोलकाता आ गया, यहाँ पर भुवनेश्वर है,
हाजीपुर, जयपुर नीचे होगा, गोरखपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली ऊपर है जो लगता है शायद जयपुर। चलिए कहीं भी है, ये जयपुर वाला पोस्ट में आपको 2000 के आसपास पोस्ट था, यानी अभी मुंबई आ गया, जयपुर नहीं है, नीचे है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, कोलकाता, हुबली, चेन्नई, जबलपुर और मुंबई। 1 मिनट, जयपुर कहाँ गया जी? चेन्नई, चेन्नई, हुबली, अभी मैं फिक्स कर रखा था उस पे हाथ चला गया, चेंज हो गया, सिकंदराबाद, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 1800 कुल मिला के 2000 2100 2200 पोस्ट था, वो बदल के कितने हो गए हैं? तो बदल के हो गए हैं टोटल 3738। यानी सबसे पहले तो ट्रैक मेंटेनर में 1400 ये हो गया, ये 1846 के अगेंस्ट, यानी सीधी सीधी कह सकते हैं 18 दूने 36 होता है, यानी करीब करीब 1500 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की बढ़ गई, तो 1500 बाकी पोस्ट कम हो गए। ब्रिज और ट्रैक मशीन में इन्होंने 335 ले ही रहे हैं, और जो एक इनका और स्टोर वाला वर्कशॉप वाला है वो कम हो गया होगा। यानी टोटल का है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको ट्रैक मेंटेनर 4 ही मिलने वाला है, और इनकी ऑर्गेनाइज हो जी गई वो फंक्शन 28 फरवरी तक डिटेल देना है, और इनकी फंक्शन जो होगी मार्च 2023 से आगे होगा। तो कुल मिला के कहें कि एक और खेला हो गया है, जो आने वाले दिनों में सारे कैंडिडेटों के साथ ही अच्छा खेला हो गया कि उनको ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा, और ट्रैक मेंटेनर में हालांकि अनाउंस 3000+ कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन अब जो लोग तैयारी करने वाले होते हैं, जिनको आगे का करियर करना होता है, उन्हें लेवल 1 पे ही संतुष्ट करना होगा। और बहुत चैनलों पे हमने देखा था, बोले थे कि ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी बोलो, इज्जत की बात है। तो सही तो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, टेक्निकली सही भी है, लेकिन फ्यूचर अगर लेवल 1 तक ही सीमित करना है तब सोचना पड़ेगा आपको कि ट्रैक मेंटेनर अच्छा है, और इसका असर वेटिंग लिस्ट का क्या पड़ेगा, इसका असर सेकंड डीबी थर्ड डीबी पे क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत लोग छोड़ेंगे। और देख लीजिए, सबको ट्रैक मेंटेनर ही मिल रहा है लगभग। हाँ, जिन कैंडिडेटों की जरूरत होगी, जिन्हें लेवल 1 अभी जॉब कर लेना है, फिर बाद में फ्यूचर करियर करेंगे, अपना बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे, उनके लिए तो अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।